कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करें अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं UGC NTA NET JRF टूरिज्म बैच 2 जिसकी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं 14th of November 2022। जी हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट मंडे से हम ये क्लासेस को शुरू करने वाले हैं गाइस। राणा एजुकेशन का जो फर्स्ट बैच था नेट JRF नेट टूरिज्म का, वो हमने मार्च 22 में कंडक्ट किया था। वो 60-70 डेज की क्लासेस हमने कंडक्ट की थी। उसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। राणा एजुकेशन के 4 स्टूडेंट्स का इस बार उन्होंने नेट JRF क्वालिफाई किया है। इसमें से एक स्टूडेंट ने JRF क्वालिफाई किया है और 3 स्टूडेंट्स ने हमारे नेट क्वालिफाई किया है। तो जिस स्टूडेंट ने JRF क्वालिफाई किया है उनका नाम है मिस्टर सूर्य गांगुली। उनके साथ भी हमने एक इंटरव्यू किया है, उसका क्लिप मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। बाकी 3 स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बिजी थे, वीडियो नहीं बना सके, पर उनका नाम उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दे दिया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। गाइज 14th November को हम बैच शुरू करने वाले हैं। तो बैच की टाइमिंग क्या रहेगी, क्लासेस कब से कब होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन कब से कब लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट कब से कब मिलेंगे आपको, उसके लिए टाइम टेबल हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइम टेबल। ओके, तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो ये है टाइम टेबल ऑफ कंप्लीट कोर्स। ओके, कंप्लीट कोर्स रहेगा UGC NTA NET टूरिज्म बैच 2। ओके, जैसे मैंने आपको बताया हमारा बैच 1 जो था वो मार्च 22 में हुआ था। ओके, जिसका रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है। ये जो हमारा सेकंड बैच है गाइस, सेकंड बैच हम शुरू करने वाले हैं, हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14th November। ओके, 14 November से हम शुरू करेंगे गाइस और ये चलेगा 31st January 2023। जी हाँ, 80 डेज, ऑलमोस्ट 80 डेज की आपकी क्लासेस रहने वाली हैं। 80 डेज में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको सारा कंटेंट यहां पे गाइस प्रोवाइड करवाया जाएगा। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग रहने वाली है 7:30 से 8:10, 40 मिनट की क्लास आपकी होगी। ओके, और वो 40 मिनट आपके एक्चुअली डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। डेज रहेंगे मंडे से थर्सडे। ओके, तो मंडे से थर्सडे 7:30 से 8:10 के बीच में 40 मिनट्स में आपके जो डाउट्स होंगे गाइस वो पूरे लाइव जाके जो हमारे ट्यूटर हैं वो उनको आपके लिए सॉल्व करेंगे। फ्राइडे एंड सैटरडे गाइस आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और मॉक टेस्ट आपके रहेंगे टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज। 10 के 10 यूनिट में जितने टॉपिक हैं सबके मॉक टेस्ट, प्लस सभी यूनिट के बाद गाइस आपको क्लास टेस्ट मिलेगा। क्लास टेस्ट आफ्टर एवरी यूनिट। हम जैसे जैसे यूनिट आगे पढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेस करते जाएंगे, आपका एक क्लास टेस्ट हुआ करेगा जिससे एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है ना, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। संडे गाइस हमारा रेस्ट रहने वाला है ना। अब मैंने आपको ये डाउट क्लियरिंग सेशन क्यों बोले, क्योंकि हमारा जो लास्ट बैच हुआ था गाइस जो मार्च 22 में हुआ था, वहां पे हमने कम से कम मैंने कहा था 60-70 डेज हमारी क्लासेस चली थी और हमने ऑलमोस्ट 90 वीडियोस शूट किए थे और एक वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो एक घंटे से कम नहीं है, एक घंटे का मिनिमम उसकी ड्यूरेशन है। तो वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जिसमें कि आपके 10 के 10 यूनिट के सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है, वो वीडियोस इसी कोर्स में अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को देखेंगे, जैसे आप उन वीडियोस को देखेंगे आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, वो डाउट्स जो है वो आप अपने ट्यूटर को भेजेंगे और वो ट्यूटर जो है वो लाइव आप आके 7:30 से 8:10 के बीच में मंडे से थर्सडे आपके सभी डाउट्स को गाइस क्लियर करेगा। ओके, तो ये हमारी टाइमिंग होगी। ओके, डेज हो गए और टाइमिंग होगी कब से कब हमारी क्लासेस रहेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है इसका पीडीएफ मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये टाइम टेबल जो है वहां पे आपका एक अलग से बैच बनाया जाएगा और उस बैच में भी आपको ये टाइम टेबल गाइज दिख जाएगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं कि हमारा कैसा कंटेंट, कैसा कोर्स चलने वाला है, तो आप ध्यान से देखना, 14 नवंबर से 17 नवंबर तक हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। ओके, 18 नवंबर को आपको मिलेगा क्लास टेस्ट ऑफ यूनिट 1 और 19 नवंबर को मॉक टेस्ट्स 2012 नेट टूरिज्म पेपर। मैंने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं 2012 से लेकर 2022 तक टूरिज्म के, उन सभी पेपर को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है बिल्कुल एनटीए के पैटर्न पे और वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे आफ्टर एवरी यूनिट। आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आप
जैसे कि पहले सीबीएसई एग्जाम करवाता था तो आपके 3 पेपर होते थे, है ना। पेपर 2 में आपके 50 क्वेश्चंस होते थे, पेपर 3 में आपके 75 क्वेश्चंस होते थे। वो सारे पेपर को कन्वर्ट, उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है। आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, आप जैसे उसको सबमिट करेंगे तो आपने 50 में कितना स्कोर किया वो आपको वहां दिखा देगा और सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपके सामने गाइस वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। 25 नवंबर को हमें आपको मिलेगा यूनिट 2 का क्लास टेस्ट और 26 नवंबर को आपको मिलेगा मॉक टेस्ट ऑफ 2013 नेट टूरिज्म पेपर। ओके, वैसे ही गाइस आपका यूनिट 4 है ना, देन यूनिट 3 है। यूनिट 3 आपका सबसे बड़ा यूनिट है, इसलिए यहाँ के क्लासेस आप देखें ज्यादा डेज यहाँ पे दिए हुए हैं। 30 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपकी क्लासेस इसकी होंगी। 2-3 दिसंबर को आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे यूनिट 3 के, 9 दिसंबर को क्लास टेस्ट मिलेगा यूनिट 3 का और 10 दिसंबर को मॉक टेस्ट मिलेंगे 2014 नेट टूरिज्म पेपर के। ओके, देन उसके बाद यूनिट 4 है सेम पैटर्न, पहले हम डाउट क्लैरिफाई करेंगे, देन आपको क्लास टेस्ट मिलेगा, देन आपको 2015 के पेपर मिलेंगे, है ना। देन 20 से 24 दिसंबर यूनिट 5, 23 दिसंबर को यूनिट 5 क्लास टेस्ट, 24 दिसंबर को मॉक टेस्ट ऑफ 2016 पेपर, 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यूनिट 6, 30 दिसंबर को यूनिट 6 क्लास टेस्ट, 31 दिसंबर मॉक टेस्ट मिलेंगे 2017 के जो टूरिज्म के एग्जाम हुए थे उनके। ओके, देन 2 जैन से 7 जैन तक यूनिट 7, 6th ऑफ जैन को यूनिट 7 क्लास टेस्ट, 7th जैन मॉक टेस्ट्स ऑफ 2018 नेट टूरिज्म पेपर, 9th जैन टू 14 जैन यूनिट 8, 13 जनवरी को यूनिट 8 का क्लास टेस्ट और 14 जनवरी को मॉक टेस्ट ऑफ 2019 नेट टूरिज्म पेपर, 16 जैन टू 21 जैन यूनिट 9, 20 जैन को यूनिट 9 क्लास टेस्ट, 21 जैन को मॉक टेस्ट ऑफ 2020 नेट टूरिज्म पेपर, 23 जैन से 28 जैन लास्ट यूनिट हम कर रहे होंगे, 27 जैन को यूनिट 10 का क्लास टेस्ट और 28 जैन को मॉक टेस्ट ऑफ 2021 नेट टूरिज्म पेपर। ओके, उसके बाद 30th जनवरी को आपको मिलने वाला है 22 लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसका मॉक टेस्ट और 31st को हमारी लास्ट क्लास होगी, तो आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाएगा एग्जाम में, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। तो गाइस ये पूरा टाइम टेबल, पूरी स्कीम मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेक्शन विद द जेआरएफ क्वालिफायर, जो हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था मिस्टर सूर्या गांगुली, उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो उनसे राणा एजुकेशन ने कुछ बात की है, उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ। So welcome Mr. Surya Ganguly and welcome to Rana Education and thank you, sir. First of all thank you so much, आपने हमारे लिए time निकाला इस video के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। Sir it's my pleasure sir, आपने मुझे invite किया यही बहुत बड़ी honor है मेरे लिए। चलिए सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत congratulations, आपने JRF in tourism crack किया है और वो भी with 186 marks, तो पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसा लगता है JRF qualify करने के बाद। जेआरएफ क्वालिफाई करने का अलग ही फीलिंग होता है कि मतलब जेआरएफ आप हाईएस्ट लेवल पे फाइट कर रहे हो सबके साथ जी, मतलब जी। दूसरे जो एग्जाम्स हम लोग देते हैं उसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई क्लास 10 पास सब तरीके रहते हैं और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पे आप फाइट करते हो तो आपके लेवल पे सभी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे कोई भी एग्जाम, मैं इस एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, मतलब कोई भी एग्जाम हम लोग पार करते हैं तो सबके लिए अच्छा लगता है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए अपने जेआरएफ की जर्नी एंड राणा एजुकेशन से आप कैसे जुड़े। सर एक्चुअली जेआरएफ का जर्नी अगर बोला जाए, मेरी दीदी ने बताया था इसके बारे में, नेट के बारे में जी। दीदी ने आपका एमएससी कर चुकी है दीदी। ओके, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि तुम अपनी पीएचडी डिग्री को पा लो, अभी तो टूरिज्म सेक्टर में उतना काम नहीं है, इस टाइम में तुम अपना टाइम यूज करो और पीएचडी डिग्री कर लो। तो इसके लिए मैंने नेट के लिए टूरिज्म के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जरूरत होता है कि बेसिक चीजें हम लोग जान लें कि सिलेबस में है क्या क्या है, इसके लिए मैंने काफी किताब देखे, पर मैं कोई किताब के बारे में कंप्लेन करना नहीं चाहता, पर उसमें कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं है सर। आपको पता है ना कि 2018 में जो सिलेबस था वो बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया गया यूजीसी नेट का था, तो उनपे ये भी लिखते हैं कि अपडेटेड सिलेबस है जो कि सबसे बुरी बात है, होता नहीं। यस सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक सेकंड के लिए तो लगता है कि क्या मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद बुक में जो है वही एग्जाम में आएगा, ये सिलेबस कुछ मायने नहीं रखता, और बाद में आपको समझ में आता है कि ये पुराना सिलेबस है। और वहां पर सर आपका एजुकेशनल ऐप बहुत काम में आता है, क्योंकि पहली बात है दैट इज चैप्टर वाइज, दैट इज यूनिट वाइज,
अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो आपका एक कोई भी एग्जाम के लिए बेस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही, और वो बेस आपका बना देता है। और बाकी सर जो बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे कुछ बात करते हैं तो उसमें भी आप रिप्लाई देते हैं, कॉल पे भी आप गाइडेंस करते हैं, तो वो सब आपके लिए मतलब रोजाना की बात होगी, पर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को पता है कि ये टीचर हमारे जो है उन्होंने कर चुके हैं, मतलब वो उस रास्ते पे चल चुके हैं, अब मुझे उसी रास्ते पे चलना है। तो जब आपसे बात करते गाइडेंस मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। चलिए, और थोड़ा कंटेंट कैसा था हमारा जो कोर्स था जो आपने ज्वाइन किया था, उसका कंटेंट कैसा था और उसके मॉक टेस्ट वगैरह कैसे थे, वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर जैसे मैंने बोला यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज सिर्फ पढ़ाई नहीं है, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि सर पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं पर खुद को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने कितना पढ़ा, तो यूनिट वाइज एमसीक्यू वहां पर काम आ गए। और लास्ट के तरफ जो है ना सर, मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई रोक देनी चाहिए, और आप जितने भी पीवाईक्यूज प्रेजेंट करते हैं 2012 से लेके जितने भी पीवाईक्यूज है ना उन पे प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम है, क्योंकि एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है हर एक एग्जाम में, वही आपके 40 क्वेश्चन इसी होते हैं, 20 मीडियम और 40 मतलब टच करना काफी हार्ड हो जाता है। वही एक पैटर्न जो है आप जो पीवाईक्यूज प्रेजेंट करते हैं उनको प्रैक्टिस करके पता चलता है उसके बारे में। चलिए सूर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए अगर मैसेज देना चाहूंगा मैं सर यही कि सबसे पहले तो आप अपना बेस क्लियर कीजिए जी, और इसके लिए ऐसे में आप लोग चाहे तो बुक खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, पर उसमें सब आपको पुराना सिलेबस मिलेगा, आपको मार्केट में ऐसा कोई किताब नहीं मिलेगा जो आपको न्यू सिलेबस में देगा, तो उसको लेकर आप ज्यादा टेंशन में मत लीजिए। आप चाहे तो नेट से भी देख सकते हैं पर उसमें भी आपको काफी टाइम लग जाएगा। और बाकी एग्जाम के एंड में जैसे मैंने कहा कि अपना पूरा फोकस पीवाईक्यू पे दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न जो है और क्वेश्चंस भी रिपीट किए जाते हैं, तो उसमें ऑल द बेस्ट सबको, और बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर। ओके गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कोर्स आपको कहाँ मिलने वाला है और क्लासेस कहाँ पे होने वाली हैं। तो गाइस ये कोर्स आपको मिलेगा राणा एजुकेशन की ऐप पे, ये मैंने उसी कोर्स को अभी ओपन कर रखा है। इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इस पे मैंने एक अलग से गाइस वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ताकि वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, कैसे कोर्स को ढूंढेंगे, कैसे कोर्स को बाय करेंगे। ओके, वो सब कुछ उस वीडियो में गाइज आपको बता रखा है ना। तो आप जैसे ही इस कोर्स को ओपन करते हैं गाइज, आपने स्टोर पे आ जाना है, स्टोर पे जाने के बाद आपने सर्च करना है NTA UGC NET। ओके, यहाँ पे चार लिखा, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने चार कोर्सेज गाइज दिख जाएंगे। गाइज यहाँ पे जिस कोर्स में मैं जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ और जिसमें लाइव क्लासेस जो हमें टाइम टेबल अभी डिस्कस किया, वो गाइज आपको मिलने वाला है कंप्लीट कोर्स ऑफ UGC NTA NET टूरिज्म। ओके, इसका प्राइस है 499, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओके, तो गाइस ये कोर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, है ना। इसका कंटेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले आपको मैं दिखा देता हूं, आपने यहां पे ध्यान से पढ़ लेना है रीड मोर पे क्या लिखा है। ओके, और गाइस इस कोर्स को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसका वीडियो अगेन अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा एंड उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसका मेन आपको मैं बता देता हूं, इसकी वैलिडिटी है गाइस 6 मंथ्स, है ना। आप यहां पे देखें ड्यूरेशन लिखी है, ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, है ना। और आप टेंशन ना लें, अगर आपका एग्जाम जैसे फॉर एग्जांपल आप 14 नवंबर को ये कोर्स लेते हैं या कल आप ये कोर्स लेते हैं, उसके 6 महीने तक एग्जाम अगर नहीं होता है तो डोंट वरी, जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 1 महीने बाद होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, उस एग्जाम की डेट तक आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आप सिर्फ एक बार ही पे करेंगे आप जब इस कोर्स को गाइज ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, और ये टूरिज्म प्लस वाला कोर्स है गाइज, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू पेपर बन के भी मिलेंगे। ओके, और पेपर 2 का तो पूरा हम लाइव बैच गाइज यहाँ पे चला ही रहे हैं, है ना। तो आप इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लेना जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गाइज दी हुई है। कंटेंट में अगर हम बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी अपना टाइम टेबल भी डिस्कस किया है ना, तो पहले ओपनिंग वीडियो है, देन सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, देन पेपर 1 स्टडी मटेरियल है, एंड देन पेपर 2, मतलब आपको पेपर 1 भी कंप्लीट मिल रहा है और पेपर 2 भी कंप्लीट मिल रहा है। आप देख सकते हैं पेपर 2 में 83 वीडियोज हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ,
एक यूनिट के ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 7 वीडियोस ओपन होते हैं ओके. अब देखें फर्स्ट लेक्चर 1 है 1 hour 4 minutes, लेक्चर 2 है 1 hour 12 minutes, लेक्चर 3 है 1 hour 4 minutes, मतलब इन सभी लेक्चर्स में सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है बिल्कुल एज पर न्यू सिलेबस. ऐसे ही आप गाइस इन सभी यूनिट के वीडियोस को देख सकते हैं ओके. यहाँ पे सभी 10 की 10 यूनिट्स आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन वीडियोस तो हैं ही, प्लस आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे. आपका कोई भी डाउट गाइस यहाँ पे नहीं बचने वाला है, आई प्रॉमिस दैट ओके. और उसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना. आप यहाँ पे देखें यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ये अलग से फोल्डर बना है, 93 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो यूनिट वाइज हैं, है ना. पेपर 2 में देखें जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट के 12 मॉक टेस्ट हैं, सेकंड यूनिट में 5 टेस्ट हैं और ये और भी ऐड किए जाएंगे ओके. और तीसरी बात आपको मैं दिखा देता हूं जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेपर 2 सॉल्व्ड मॉक टेस्ट 2012 ऑनवर्ड्स, है ना. तो आप यहाँ पे देखें 2012 से लेके ये 12 के 4 हैं, 2013 के 4 पेपर हैं, 14 के 4 पेपर हैं, 15 के 4 पेपर हैं, से करके 21 तक ये अपडेट हो चुका है, 22 का इसमें बहुत जल्दी गाइस अपडेट हो जाएगा, है ना. तो ये कंटेंट आप एक बार इसको देख लेंगे. अच्छा, वीडियोज कैसे हैं, मॉक टेस्ट कैसे हैं, पीडीएफ फाइल कैसी है, इन सब का डेमो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इनकी क्वालिटी क्या है ना. आप उनको एक बार चेक कर सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं, है ना. तो वो सारा मटेरियल डेमो फ्री भी आपको दिया हुआ है ताकि आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएं कि आपको क्या क्वालिटी इसमें गाइज मिलने वाली है. ऑलराइट, तो ये पूरा कंटेंट है गाइज यहाँ पे. और पीएचडी एंड टूरिज्म एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी टूरिज्म के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती हैं, वो क्वेश्चन पेपर गाइज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं. पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 सॉल्व मॉक टेस्ट 2004 ऑनवर्ड्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2004 से लेके आप यहाँ पे यहां से देखें पेपर 1 दिसंबर 2004, पेपर 1 दिसंबर 2005, 2004 से लेके आप देखें 2020 तक के पेपर 1 के सॉल्व मॉक टेस्ट गाइज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. तो ये कंप्लीट कोर्स है पेपर 1 एंड 2 का, है ना. पेपर 1 आपको सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेगा, उसके वीडियोस भी आपको मैं दिखा देता हूँ. कंटेंट में जब जाते हैं तो पेपर 1 के वीडियोस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. टीचिंग एप्टीट्यूड इसके 8 वीडियोस हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड 8 वीडियोस, कम्युनिकेशन 2 वीडियोस, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड 24 वीडियोस. तो पेपर 1 भी आपको एज पर न्यू सिलेबस सारे टॉपिक रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले हैं, और पेपर 2 तो हम वैसे भी लाइव करने वाले हैं. तो जितना इसमें गाइस सारा ही मैंने आपको बता दिया है ना. इसको ज्वाइन करने के लिए आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा, और उसके बाद गाइस आप इस, जैसे आप इसको पे करेंगे आप इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे. बिलीव मी दिस विल बी योर रियल वैल्यू फॉर मनी, और आप जब नेट JRF क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, जैसे कि हमारे सूर्य गांगुली जी को नहीं हो रहा है, और अब वो JRF टूरिज्म 186 मार्क्स हैं उनके, वो JRF टूरिज्म जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, और 3 हमारे और स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट टूरिज्म क्वालिफाई किया है. तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको आप प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें ऑल द एस्पिरेंट्स विद ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नेट JRF टूरिज्म जो भी इसके बाद एग्जाम होने वाला है. एंड आई विल सी ऑल ऑफ यू ऑन 14th of November इन क्लास. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.